खानेवाल और लोधरा के आवाम की राय आपने जानी, सर्वे नतज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खानेवाल हल्का एन ए 145 की। यहाँ पर जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, पीटीआई लीड कर रही है, 41% लोग इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं, 26% लोग मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं, 16% लोग इस हल्के से ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट करना ही नहीं चाहते, 7% लोग TLP के लिए वोट करना चाहते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए भी 5% लोग ही इस हल्के से वोट करना चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में। और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI पे शामिल हैं। लोधरा के हल्के की बात कर लेते हैं, 155, यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही आगे दिखाई दे रही है, 43% लोग इस हल्के से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए 28% लोग वोट करना चाहते हैं, 17% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते, IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं, TLP के लिए 4% वोट करना चाहते हैं, PP के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए भी 2% लोग ही इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो इस हल्के में JUIF और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। तो इन दो हल्कों की सूरत हाल आज हमने आपके सामने रखी। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तजिए लेकर आता है।